राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आद्र मानसूनी जलवायु है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापमान तक निम्न आर्द्रता तथा तीव्र हवाओं युक्त जलवायु है। दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्धशुष्क एवं उप आद्र जलवायु है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो भी जलवायु को प्रभावित करते हैं, जिनसे जलवायु प्रभावित होती है, एक अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति एवं दिशा। राजस्थान की जलवायु की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली है शुष्क एवं आर्द्र। शुष्क एवं आर्द्र जलवायु की प्रधानता है राजस्थान के अंदर। अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा, वर्षा का अनायास वितरण है। अधिकांश वर्षा जून से सितंबर तक होती है। वर्षा के परिवर्तनशीलता एवं न्यूनता के कारण सूखा एवं अकाल की स्थिति अधिक होती है। राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है, अतः राज्य उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का कुछ हिस्सा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी ने जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर दिया है। अरावली पर्वत श्रेणियां मानसूनी हवाओं के चलने की दिशाओं के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती, अतः मानसूनी पवने सीधी निकल जाती हैं। ये मानसूनी वर्षे जो मानसूनी पवने हैं वर्षा नहीं करा पाती। इस प्रकार पश्चिमी क्षेत्र अरावली की दृष्टि से छाया प्रदेश होने के कारण अल्प वर्षा प्राप्त होती है, यानी कि जैसलमेर की साइड वर्षा कम होती है। किस वजह से कम होती है? क्योंकि अरावली श्रेणी बीच में आ जाती है और वो मानसूनी पवनों को रोक नहीं पाती। जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो इसकी किरणें बांसवाड़ा पर सीधी वे गंगानगर जिले पर तिरछी पड़ती हैं। राजस्थान का औसतन वार्षिक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस है। राजस्थान की जलवायु की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उप आद्र जलवायु प्रदेश में 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आद्र जलवायु प्रदेश 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अति आद्र जलवायु प्रदेश में 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शुष्क प्रदेश में आते हैं हमारे पास में जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, दक्षिण गंगानगर, बीकानेर व जोधपुर का पश्चिमी भाग है शुष्क प्रदेश के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पर औसत वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर होती है। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में आता है चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, दक्षिण बाड़मेर, जोधपुर व बीकानेर का पूर्वी भाग, पाली, जालौर, सीकर, नागौर, झुंझुनू का पश्चिमी भाग की औसत वर्षा है 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर है। उप आद्र जलवायु प्रदेश है। उप आद्र जलवायु प्रदेश में अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली, जालौर, नागौर, झुंझुनू का पूर्वी भाग, टोंक, भीलवाड़ा व सिरोही का उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग, यानी सिरोही का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो आता है। औसत वर्षा यहाँ पर 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। आद्र जलवायु प्रदेश में आते हैं भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, उत्तर पूर्वी उदयपुर, दक्षिण पूर्वी टोंक तथा चित्तौड़गढ़। यहाँ पर वर्षा होती है 60 से 80 सेंटीमीटर। अति आद्र जलवायु प्रदेश में आते हैं कोटा, बारा, झालावाड़ा, यानी दक्षिण पूर्वी कोटा, बारा, झालावाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिण पूर्वी उदयपुर और माउंट आबू क्षेत्र अति आद्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। राजस्थान के सबसे गर्म महीने मई जून हैं और ठंडे महीने हैं दिसंबर और जनवरी। राजस्थान का सबसे गर्म व ठंडा जिला है चूरू।
राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर पश्चिम क्षेत्र में रहता है। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान में वर्षा का औसत 57 सेंटीमीटर है, जिसका वितरण 10 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। वर्षा का असमान वितरण पर्याप्त अनिश्चित मात्रा ही राजस्थान में हर वर्ष सूखी और अकाल का कारण बनती है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है। अरब सागरीय मानसून हवाओं से राज्य के दक्षिण व दक्षिण पूर्वी जिलों में पर्याप्त वर्षा हो जाती है। राज्य में होने वाली वर्षा की कुल मात्रा का 34% जुलाई माह में, 33% अगस्त माह में होता है। जिला स्तर पर सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है और जिला स्तर पर न्यूनतम वर्षा जैसलमेर में होती है। राजस्थान में वर्षा होने वाले दिनों की औसत संख्या 29 है। वर्षा के दिनों की सर्वाधिक संख्या झालावाड़ में 40 दिन तक होती है और बांसवाड़ा में 38 दिन होती है। वर्षा के दिनों की न्यूनतम संख्या जैसलमेर 5 दिन होती है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू 120-140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहीं पर वर्षा के सर्वाधिक दिन 48 दिन मिलते हैं। वर्षा के दिनों की संख्या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। राजस्थान में सबसे कम आर्द्रता अप्रैल माह में और राजस्थान में सबसे अधिक आर्द्रता अगस्त माह में होती है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान है जैसलमेर 5 सेंटीमीटर और राजस्थान को 50 सेंटीमीटर रेखा दो भागों में बांटती है। 50 सेमी वर्षा क्षेत्र की उत्तर पश्चिम में कम होती है जबकि दक्षिण पूर्वी में वर्षा अधिक होती है। 50 सेमी मानक रेखा अरावली पर्वतमाला को माना जाता है, यानी अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में कम वर्षा होती है और दक्षिण पूर्व में ज्यादा वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ा और न्यूनतम जिला वाला जैसलमेर है। राजस्थान में सबसे आर्द्र वाला स्थान माउंट आबू और कम आर्द्र वाला फलौदी जोधपुर में है। राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला महीना मार्च अप्रैल है और सर्वाधिक ओलावृष्टि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है। सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला जयपुर है। राजस्थान में हवाएं ज्यादातर पश्चिम व दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। हवाओं की सर्वाधिक गति जून माह में होती है और हवाओं की मंद गति नवंबर माह में होती है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम क्षेत्र का वायु दाब पूर्वी क्षेत्र से कम होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की तरफ से गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। इन लू के कारण निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन पाता है। इस निम्न वायु दाब की पूर्ति हेतु दूसरे क्षेत्र में उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों से तेजी से हवा उठकर आती है और अपने साथ धूल और मिट्टी लेकर आती है, जिसे हम आंधी कहते हैं। आंधियों की सर्वाधिक संख्या श्रीगंगानगर में, आंधियों की न्यूनतम संख्या झालावाड़ में। राजस्थान के उत्तरी भागों में धूल भरी आंधियां जून माह में और दक्षिण भाग में मई माह में आंधियां आती है। राजस्थान में पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में तूफान आंधी और वर्षा ज्यादा आते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अपेक्षित आर्द्रता मार्च अप्रैल में सबसे कम और जुलाई अगस्त में सबसे ज्यादा होती है। लू मरुस्थल भाग में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाएं होती हैं, जिन्हें हम लू कहते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई पर बढ़ने के साथ तापमान घटता है और इसकी घटने की यह सामान्य दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग से दक्षिण पूर्वी की ओर तापमान में कमी दृष्टिगोचर होती है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन टीवार्था थार्नेवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। एक है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश और उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। राजस्थान को कृषि की दृष्टि से 10 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। शुष्क पश्चिमी मैदान, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान, शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान, अंतःप्रवाही लूनी बेसिन, पूर्वी मैदान में भरतपुर धौलपुर करौली, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस तरीके से 10 जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है।
राजस्थान में जलवायु का अध्ययन करने पर तीन प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक होती है, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक होती है और शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक होती है। ग्रीष्म ऋतु राजस्थान के मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है। इसमें मई व जून के महीने में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। अधिक गर्मी की वायु में नमी समाप्त हो जाती है, जिसकी वजह से गर्मी पड़ती है। परिणाम स्वरूप वायु हल्की होकर ऊपर चली जाती है, अतः राजस्थान में निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है। परिणाम स्वरूप उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर तेज गति से हवाएं आने लगती हैं, जिन्हें गर्मियों में आंधियां हम कह सकते हैं, या आंधियों का प्रवाह राजस्थान में बना रहता है। वर्षा ऋतु में है वो मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। राजस्थान में तीन प्रकार के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है, अरब सागर का मानसून आता है। तो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है, यह मानसून राजस्थान में पूर्व दिशा से प्रवेश करता है और पूर्व दिशा में प्रवेश करने के कारण मानसूनी हवाओं को पूर्वैया के नाम से जाना जाता है। यह मानसून राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करवाता है। इस मानसून से राजस्थान के उत्तरी या उत्तरी पूर्वी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा होती है। अरब सागर का मानसून है, यह मानसून राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है। यह मानसून राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं कर पाता क्योंकि अरावली पर्वतमाला के समांतर ये निकल जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यदि राज्य में अरावली का विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में वर्षा होती। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर का मानसून प्रवेश करता है, फिर है भूमध्य सागर मानसून। यह मानसून राजस्थान में पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है। पश्चिम दिशा से प्रवेश होने के कारण यह मानसून को पश्चिम विक्षोभ का मानसून भी कहा जाता है। इस मानसून से राजस्थान में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वर्षा होती है। यह मानसून मुख्यतः सर्दियों में वर्षा करता है। सर्दियों में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। यह वर्षा गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक लाभप्रिय है। यह वर्षा के बूंदों को या इन वर्षा की बूंदों को गोल्डन ड्रॉप्स या सोने की बूंदों के उपनाम से भी हम जानते हैं। फिर आती है शीत ऋतु। राजस्थान में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है। इन चार महीनों में जनवरी माह में सर्वाधिक सर्दी पड़ती है। शीत ऋतु में भूमध्य सागर में उठने वाली चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, जिन्हें मावठ कहते हैं। यह वर्षा माघ महीने में होती है। शीतकालीन वर्षा मावठ को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। यह रबी की फसल के लिए लाभदायक है। राज्य में हवाएं प्राय पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। वर्षा में हम देखें कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से होती है। दूसरा स्थान बंगाल की खाड़ी के मानसून का है और तीसरा स्थान अरब सागर के मानसून का है। अंतिम स्थान भूमध्य सागर के मानसून का है। आंधियों के नाम देखें तो उत्तर से आने वाली आंधी हैं उन्हें कहते हैं उत्तरा, उत्तराद, धरोड़ या धराऊ। दक्षिण पश्चिम से जो भी आंधियाँ आती हैं उन्हें लकाऊ कहते हैं और पूर्व की ओर से आने वाली आंधियों को कहते हैं पूर्वैया, पूर्वाई, पूर्वा, आगुणी। पश्चिम की ओर से आने वाली आंधी कहलाती हैं पिछवाई, पच्छऊ, पिछवा, आथुणी। और हम देखें उत्तर पूर्व के मध्य से आने वाली हवाएं संजेरी कहलाती हैं। पूर्वी दक्षिण से मध्य से या पूर्व दक्षिण के मध्य से आने वाली हवाएं चीर या चील कहलाती हैं। दक्षिण पश्चिम के मध्य से आने वाली हवाएं समुद्री कहलाती हैं और उत्तर पश्चिम के मध्य से आने वाली हवाएं सूर्य कहलाती हैं। दैनिक गति और घूर्णन गति है। पृथ्वी अपने अक्ष पर साढ़े 23 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर घंटा यानी 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे और 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कह सकते हैं। इसी के कारण दिन और रात बनते हैं। वार्षिक गति होती है एक, जिसकी वजह से वर्ष बनते हैं। परिक्रमण गति कहते हैं इसे।
पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। इसे पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं। इसमें लगने वाला समय को सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन, इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी कि वार्षिक गति के कारण ही होता है। वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात बड़े और छोटे होते रहते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण काल में 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। फलस्वरूप संपूर्ण पृथ्वी पर रात और दिन की अवधि बराबर होती है। एक विषुव, विषुव क्या होता है? जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो इस स्थिति को विषुवत कहा जाता है। वर्ष में दो विषुव होते हैं, एक होता है बसंत विषुव, एक होता है शरद विषुव। 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है, जिसे विषुवत भी कहा जाता है। आयन, आयन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य के भूभाग को आयन कहते हैं, जहां वर्ष में कभी कभी या कभी न कभी सूर्य की किरणें सीधी चमकती जरूर हैं, आयन कहलाते हैं। ये दो होते हैं, उत्तरी आयन को उत्तरायण कहते हैं और दक्षिणी आयन को दक्षिणायन कहते हैं। जीरो अक्षांश से साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य उत्तरी उत्तरायण होता है और 0 अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में दक्षिणायन होता है। आयनांत, जहाँ आयन का अंत होता है, यह दो होते हैं, उत्तरायण का अंत उत्तरायंत और दक्षिणायन का अंत दक्षिणायंत। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पर 21 जून को उत्तरी आयन का अंत होता है और दक्षिणी आयन का अंत 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा पर 22 दिसंबर को दक्षिणायन अंत होता है। पृथ्वी के परिक्रमण काल में 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रहती हैं। फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े व छोटे एवं ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण दिन छोटे और रातें बड़ी शरद ऋतु के अंदर होती हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून है और दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ी रात 21 जून है। उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात 21 जून है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 जून है। पृथ्वी के परिक्रमण काल में 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं। फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी एवं ग्रीष्म ऋतु में ये होती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण दिन छोटे रातें बड़ी व शरद ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर है और उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर है। दक्षिणी गोलार्ध की सबसे छोटी रात 22 दिसंबर है और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर है। कटिबंध, कोई भी दो अक्षांश के मध्य का भूभाग कटिबंध कहलाता है। गोर क्या होता है? कोई भी दो दिशाओं तरों के मध्य का भूभाग गोर कहलाता है। भारत दो कटिबंध में स्थित है, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। राजस्थान उष्ण कटिबंध के निकट वास्तव में उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु, विशेष में हवाओं की दिशा से होता है। ग्रीष्मकालीन और दक्षिण पश्चिम मानसून, गर्मियों में जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो यहाँ का निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की किरणें तीसरी पड़ने के कारण शीत ऋतु होती है और वायुदाब वहाँ उच्च होता है, इसलिए हवाएं दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर चलने लगती हैं। भारत की स्थिति प्रायद्वीपीय होने के कारण दक्षिण पश्चिम में आने वाले मानसून पवनों की दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी। भारत में सर्वप्रथम मानसून की अरब सागरीय शाखा सक्रिय होती है। औसतन 1 जून को मालाबार तट केरल पर ग्रीष्मकालीन मानसून की अरब सागरीय सक्रिय हो जाता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट पर सक्रिय होता है। राजस्थान में सर्वप्रथम ग्रीष्मकालीन मानसून की अरब सागरीय शाखा ही सक्रिय होती है। भारत एवं राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है।
शीतकालीन मानसून से कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु में ही वर्षा होती है। शीतकालीन मानसून में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला देश है चीन। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीरिया लीबिया सहारा मरुस्थल में है। भारत का सबसे गर्म स्थान गर्म राज्य है राजस्थान, और भारत का सबसे गर्म स्थान है फलोदी जोधपुर में। राजस्थान का सबसे गर्म जिला वो है चूरू। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू सिरोही के अंदर है। विश्व का सबसे आर्द्र स्थान मासिनराम मेघालय भारत के अंदर है, और भारत का सबसे आर्द्र राज्य है केरल। भारत का सबसे आर्द्र स्थान मासिनराम मेघालय के अंदर है। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला झालावाड़। राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान माउंट आबू। विश्व का सबसे वर्षा वाला स्थान मानसिनराम मेघालय। भारत का सबसे बड़ा सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मानसिनराम मेघालय। भारत का सबसे वर्षा वाला राज्य केरल। राजस्थान का सबसे वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। राजस्थान का सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला झालावाड़। विश्व का सबसे शुष्क स्थान वखोयास। भारत का सबसे शुष्क राज्य राजस्थान। भारत का सबसे शुष्क स्थान लेह जम्मू कश्मीर में। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला जैसलमेर। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान सम जैसलमेर में और फलोदी जोधपुर में। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान वखोयास। भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य पंजाब। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जैसलमेर के अंदर सम है, और भारत का सर्वाधिक तापांतर वाला राज्य राजस्थान। राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर वाला जिला चूरू। राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर वाला जिला दैनिक हिसाब से जैसलमेर। राजस्थान का वनस्पति रहित क्षेत्र जैसलमेर। साइबेरिया ठंडी हवा और हिमालय हिमपात के कारण राजस्थान में जो शीतलहरें चलती हैं वे कहलाती हैं जाड़ा। गर्मियों में थार के मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवाएं कहलाती हैं लू। राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं गंगानगर में। राजस्थान में पाला दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भागों में अधिक ठंड के कारण पाला पड़ता है। दक्षिणी राजस्थान में तेज हवाओं के कारण जो मूसलाधार वर्षा होती है इसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार झालावाड़ और बांसवाड़ा है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की विषमता वाला जिला बाड़मेर और जैसलमेर है। राजस्थान में वर्षा की सबसे कम विषमता वाला जिला बांसवाड़ा। 21 जून को राजस्थान के कौन से जिले में सीधी किरणें हैं वो पड़ती हैं तो बांसवाड़ा। 22 दिसंबर को राजस्थान के किस जिले को सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं ओएसडी गंगानगर। राजस्थान की जलवायु उत्तोषण कटिबंध है मावट क्या होती है। सर्दियों में पश्चिम विक्षोभ भूमध्य सागरीय विक्षोभ के कारण भारत में उत्तरी मैदान क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। मावट का प्रमुख कारण है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होती है। संपूर्ण पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्षोभ मंडल में चलने वाली बवने जेट स्ट्रीम कहलाती हैं। मावट रबी की फसल के लिए अत्यंत उपयोगी है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स या स्वर्ण बूंदे कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे कि नार्वेस्टर क्या है। छोटा नागपुर का पठार पर ग्रीष्म काल में चलने वाली पवने नार्वेस्टर कहलाती है। यह बिहार और झारखंड राज्य को प्रभावित करती है। जब नार्वेस्टर पवन पूर्व की ओर आगे बढ़कर पश्चिम बंगाल राज्य में पहुंचती हैं तो इन्हें काल वैशाली कहा जाता है। जब यही पवन पूर्व की ओर आगे पहुंचकर असम राज्य में पहुंचती हैं और यहां पर 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यह वर्षा चाय की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है, इसलिए इसे चाय वर्षा या टी सावर भी कहा जाता है। फिर है मैंगो सावर। तमिलनाडु केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में मानसूनी पूर्व जो वर्षा होती है जिससे यहाँ की आम की फसलें पकती हैं यह वर्षा कहलाती है मैंगो सावर। चेरी प्लम्स क्या है। कर्नाटक राज्य में मानसून पूर्व जो वर्षा होती है जो यहाँ की कहवा की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी है चेरी प्लम्स या फूलों की बौछार कहलाती है।
मानसून की विभंगता, मानसून के द्वारा किसी एक स्थान पर वर्षा हो जाने और उसी के स्थान पर होने वाली अगली वर्षा के मध्य का समय अनिश्चित होता है, इसे मानसून की विभंगता कहा जाता है। मानसून का फटना, दक्षिण भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान केरल के मालाबार तट पर तेज हवाएं एवं बिजली के चमक के साथ बादल की तेज गर्जन के साथ जो मानसून की प्रथम मूसलाधार वर्षा होती है, इसे मानसून का फटना कहते हैं। वृष्टि प्रदेश और वृष्टि छाया प्रदेश, अल नीनो यह एक मर्ग जल धारा है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान सक्रिय होती है। इससे भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है और भारत एवं पड़ोसी देशों में अल्प वृष्टि एवं सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। इसे कहते हैं अल नीनो। एक है ला नीनो, यह एक ठंडी जल धारा है जो कि ऑस्ट्रेलिया इस महाद्वीप के उत्तर पूर्व में अल नीनो के विपरीत उत्पन्न होती है। इसमें भारतीय मानसून को शक्ति मिलती है। भारत तथा पड़ोसी देशों में अतिवृष्टि की स्थिति इसी से पैदा होती है। उपसोर और अपसोर, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 1470 लाख किलोमीटर की घटना 3 जनवरी को होती है, इसे उपसोर कहते हैं। और अपसोर होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी 1510 लाख किलोमीटर की घटना है 4 जुलाई को होती है, इसे अपसोर कहते हैं। तो 4 जुलाई को अपसोर होता है और 3 जनवरी को उपसोर होता है। इस तरीके से ये राजस्थान की कंप्लीट जलवायु के बारे में बताया गया है और साथ में भारत और विश्व के कुछ महत्वपूर्ण तत्व बताए गए।